सौदामिनी बहुत जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसका भाई अर्जुन मर गया था। आसपास के लोग सौदामिनी के पास तक नहीं आ रहे थे उसे चुप करवाने के लिए, क्योंकि सौदामिनी एक तांत्रिक थी। गांव के लोगों को सौदामिनी से बहुत ज्यादा डर लगता था। सौदामिनी का इतना फूट फूट कर रोना देखकर उसकी पड़ोसन बहुत हिम्मत करती है और सौदामिनी के पास आती है। सौदामिनी बेटी, अब तू चुप हो जा। होनी को कोई भी बदल नहीं पाया है। जिसे जाना होता है वो चला जाता है। तेरे रोने से कोई वापस नहीं आ सकता। बेटी, बेटा तू चुप हो जा। मेरा भाई मर गया, मैं अपने भाई को वापस ला कर ही रहूंगी। तुम गांव वालों को बहुत मजा आया ना ये देखकर कि मेरा भाई मर गया, लेकिन मेरा भाई जिंदा है और वो तुम सब से बदला लेकर ही रहेगा। बेटी, हम जानते हैं कि तुझे अपने भाई के मरने का बहुत दुख है, लेकिन इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ वो बस एक हादसा था और कुछ नहीं। ये हादसा मेरे भाई के साथ ही क्यों हुआ? तुम गांव वालों में से किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों नहीं मरा? तुम सब लोगों को मैं और मेरा भाई पसंद नहीं है ना? तभी मेरे भाई को मार दिया। तुम सब भी मरोगे। अब मुझे रुलाकर इस गांव में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। सब खून के आंसू रोएंगे। सौदामिनी का रोना और उसकी चेतावनी सुनकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं और सब अपने अपने घर में चले जाते हैं, जिसके बाद सौदामिनी अपने भाई की लाश को अग्नि नहीं देती बल्कि घर लेकर जाती है और घर के सभी पर्दे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। मेरे ना रहने का गांव वालों ने फायदा उठाया और मेरे भाई को मार दिया ना, तो अब ये गांव भी देखेगा मेरा भाई उन्हें कैसे मारता है। गांव में सब लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। तभी गांव का एक आदमी भागते हुए आता है। वो जिंदा है। वो हम सबको मार देगी। उसकी लाश देखी मैंने उसकी, वो चल रही थी। क्या हुआ भाई, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? कौन जिंदा है? किसकी लाश चल रही थी? हमें कौन मार देगा? तुम घबराओ मत और शांति से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तुम क्यों डरे हुए हो इतना? सरिता बहन, अभी तो बस मैंने जिंदा लाश देखी है इसलिए मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन जब आप लोग देखोगे उसे तो आप सब देख के डर जाओगे, कांपोगे आप लोग। लेकिन हमें आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप जो भी बोलना चाहते हैं आराम से हमें बताइए और समझाइए कि आखिर बात क्या है, हुआ क्या है। वो तांत्रिक है ना, जो तुम्हारे घर के पास रहती है, जिसके भाई की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी। हाँ, तो क्या हुआ बताओ ना। मैंने उसके भाई की लाश को चलते हुए देखा है। वो मेरे पास आ रहा था। ये तुम क्या बोल रहे हो, वो तो मर गया था ना। उसके भाई की लाश हम सब गांव वालों ने देखी थी और मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता। तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी। सरिता बहन, मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उसके घर के पास से जा रहा था तो मैंने धुन सुनी और जैसे मैंने देखा तो मैंने देखा कि उसका भाई चल रहा था। ये हो ही नहीं सकता है। अरे पूरे गांव वालों ने उसके भाई की लाश देखी है, और लाश भी भला कभी जिंदा हो सकती है? सौदामिनी के घर से हर रोज डरावनी रोने की आवाजें आती हैं। वो रोती रहती है अपने भाई के जाने के बाद, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? सौदामिनी की वजह से मैं खुद वहाँ से घर खाली करके यहाँ आई हूँ। मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। भाई साहब, जिस बात की इजाज़त प्रकृति नहीं देती उसका विश्वास हम कैसे कर सकते हैं? सरिता और बाकी सभी गांव वाले उस आदमी की बात पर यकीन नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सौदामिनी अपने भाई की लाश के पास एक रेडियो रखती है और उस रेडियो में इसकी तंत्र विद्या की ही धुन थी। जैसे ही वो धुन सौदामिनी के भाई के कानों में जाती है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने आखिरकार अपने भाई की लाश को जिंदा कर ही दिया। अब इस धुन पर मेरे भाई की लाश जिंदा रहेगी और गांव वालों से बदला लेगी। सौदामिनी के बुरे इरादे आखिरकार उसके भाई की लाश को जिंदा कर देते हैं, जिसके बाद सौदामिनी का भाई गांव में जाता है और रात के अंधेरे में गांव के कई लोगों को मारता है। अगली सुबह जब गांव में कई लाश दिखती है तो सरिता बहुत घबरा जाती है और तुरंत ही गांव की सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, देखिए ना, ये गांव में कैसा हाहाकार मचा हुआ है। गांव के लोगों की रातों रात मौत हो गई है और किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं है। कई लोग मर चुके हैं सरपंच जी, कुछ करिए ना आप। क्या, लोग मर गए? लेकिन कैसे? हमारे गांव में आकर कोई किसी को कैसे मार सकता है? सरपंच जी, गांव पर खतरा मंडरा रहा है।
कुछ करिए इससे पहले कि पूरा गांव तबाह हो जाए। गांव में इंसान की जगह बस उनकी लाशें ही दिखें। कुछ करिए सरपंच जी, कुछ करिए। सरिता और वहां गांव के जिंदा बच्चे काफी लोग थे। तभी वहां सौदामिनी आती है जिसके सर पर राख लगी थी। सौदामिनी जोर जोर से हंसने लगती है। तुम गांव वालों को इतना डरा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम सबने क्या सोचा मैं भी अपने भाई के गम में मर जाऊंगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मरोगे तो तुम सब, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव में सबकी लाशें ही दिखाई देंगी। सौदामिनी की बातें सुनकर गांव वालों के मन में और भी डर आ जाता है। रात के समय कोई भी सोया नहीं होता है और पूरा गांव एक साथ सरपंच के घर पर ही था। गांव में जो हादसे हुए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा कि अब हम सब लोग साथ में रहें। सब लोग डरे होते हैं। तभी सबको एक धुन सुनाई देती है और हाथ में रेडियो लिए सौदामिनी के भाई की लाश आती है। ये लाश जिंदा कैसे हो गई? ये लाश नहीं, मेरा भाई है। अब मेरा भाई जिंदा हो गया, लेकिन अब तुम सब मरोगे। मेरा भाई अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और जैसे तैसे सब खुद को बचाकर और उस बच्ची को बचाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, जहां जिंदा लाश तो नहीं आ पाती लेकिन सौदामिनी आ रही थी। हे भोलेनाथ, हम सबकी रक्षा करो, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। गांव में हर तरफ डर का माहौल था। तभी मंदिर के बाहर नियति नाम की लड़की आती है जिसको वो जिंदा लाश हाथ नहीं लगा पाती। ए लड़की, कौन हो तुम? जल्दी से मंदिर में आ जाओ वरना वो जिंदा लाश और उसकी बहन तुम्हें मार देंगे। ये कौन है लड़की? इसके यहाँ खड़े होने से ही मैं मंदिर में नहीं जा पा रही हूँ और ना ही इसे मैं मार पा रही हूँ। अगर इसने धुन बंद कर दी तो मेरा भाई यहीं गिर जाएगा। नियति के आने से सौदामिनी तुरंत अपने भाई की लाश को लेकर यहाँ से चली जाती है। गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने से वो दोनों भाई बहन कहाँ चले गए? मैं तो एक अकेली लड़की हूँ। कुछ दिनों पहले ही मेरा पूरा परिवार एक कार वाले हादसे में चल बसा, तो इसीलिए जब से ही खुद को अकेला महसूस करती हूँ तो निकल पड़ती हूँ। लेकिन ये लोग कौन थे? तुम जो कोई भी हो, खुद को अकेला मत समझो। ये गांव है ना, हम सब एक ही परिवार हैं। पता नहीं कौन हो तुम, लेकिन तुम्हारी वजह से वो दोनों यहाँ से गए हैं। इसीलिए हमारे लिए तुम ही भगवान का रूप हो। मैं इन्हें पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ और मैं यहाँ भोलेनाथ के कार्य के लिए आई हूँ। और जब तक वो कार्य नहीं होगा मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगी। गांव वाले नियति को अपनी तरह ही आम इंसान समझ रहे थे, लेकिन नियति एक नागिन थी। नियति के आने के बाद गांव में थोड़ी बहुत शांति थी। कुछ दिनों बाद रात के समय नियति सौदामिनी के घर की तरफ जा रही होती है, तभी उसे सरपंच देख लेता है। तुम इस सौदामिनी के घर की तरफ क्यों जा रही हो? तुम उसके साथ मिली हो ना? रुको, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। तो? मैं एक नागिन हूँ और मैं यहाँ तुम गांव वालों की मदद के लिए आई हूँ। सौदामिनी का भाई जो जिंदा लाश बन गया था, उसे ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते हैं हम लोग। तुम तो नागिन हो, तुम हमें उस जिंदा लाश से बचा सकती हो ना? पहले हमें सौदामिनी के घर से धुन चुरानी होगी जिसे वो लाश जिंदा हो रही है, और उस लाश को जलाना होगा। लाश को अब तक अग्नि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए सौदामिनी उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। तो ठीक है, मैं उस रेडियो को चुराने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो धुन है, और आप उस लाश को जला देना। नियति अब सरपंच के साथ मिलती है और सरपंच पीछे के दरवाजे से जाकर रेडियो चुरा लेता है, जिसके बाद नियति सौदामिनी के सामने उसके भाई की लाश ले जाने लगती है। कौन हो तुम और मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रही हो? और मेरा ये रेडियो कहाँ गया? तुम अब वो धुन कभी नहीं बजा सकती क्योंकि मैंने वो धुन ही नष्ट कर दी। नियति उस लाश को लेकर जाती है और जला देती है। सौदामिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो जैसे ही लाश को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तभी नियति उसे डस लेती है और सौदामिनी भी उस आग में गिर जाती है। ये जिंदा लाश का खेल तो तुमने शुरू किया था लेकिन खत्म आग में जाकर हुआ। दोनों को खत्म करने के बाद नियति गांव से चली जाती है। सरपंच जी को सब पता होता है लेकिन वो भी किसी को कुछ नहीं बताते और एक बार फिर गांव में खुशियां आ जाती है। शेषा नागिन वन में बहुत जोर जोर से रो रही थी। शेषा नागिन के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ एक नागिन आती है और वो शेषा से कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो? यदि कोई बात है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगी, किंतु बस तुम ये रोना बंद कर दो। मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है मेरे पास रोने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। किंतु ऐसे रोने से क्या हो जाएगा, जब तुम्हें पता है कि इससे तो कोई हल नहीं निकलने वाला तो क्यों इतना रो रही हो? मैं तुम्हारे पास यही हूँ, तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो, विश्वास करो मेरा। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? जानती तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हें, किंतु तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे दुख हो रहा है और हम दोनों नागिने हैं, इससे ज्यादा एक दूसरे की जानकारी और क्या लेनी है हमें। मेरा ना ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ मैं अब? ब्रेकअप? ये ब्रेकअप क्या होता है भला, मैंने तो पहले नागलोक में ये ब्रेकअप शब्द कभी नहीं सुना। ब्रेकअप का मतलब होता है दो प्रेमी जोड़ा टूट गया, ये धरती लोक का शब्द है। मैं किसी कार्य हेतु धरती लोक पर गई थी तभी मुझे ब्रेकअप शब्द के बारे में पता चला था। अच्छा तो ये बताओ ना, तुम्हारे प्रेमी के साथ क्या बात हो गई, अचानक से ब्रेकअप हुआ? कोई बात तो रही होगी ना तुम दोनों के मध्य, तभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या बात हुई है, अचानक से मेरा प्रेमी मुझसे मिलने वन में आया और मुझे ये दुख भरी खबर सुनाकर चला गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात हुई है। देखो इस तरह रो मत, यदि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या बात है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि उसकी गलती है जिसने बिना बताए ही तुम्हें छोड़ दिया, ये गलत बात है ना? हाँ सारी गलती उसकी ही है, उसने मुझे छोड़ा है तो मैं क्यों रहूँ उसके लिए? वो तो पता नहीं कहाँ खुशी से यहाँ वहाँ घूम रहा होगा ना, मैं यहाँ अपने ब्रेकअप की वजह से रो रही हूँ। चलो तुम्हें मेरी बात समझ तो आई, अब उठो और चलो यहाँ से, कब तक ऐसे वन में अकेली ही बैठी रहोगी, जाओ अपने कक्ष की ओर। कभी भोलेनाथ की इच्छा रही तो हमारी मुलाकात फिर होगी। हाँ और मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। शीशा इतना बोलकर अपने कक्ष की ओर चली जाती है। कुछ दिनों बाद शीशा को एक तक्षक नाम का नाग प्यारा लगने लगता है और उसे उससे प्रेम हो जाता है। वो उसे मिलने के लिए वन में जाती है। शीशा तक्षक नाग से कहती है, मैंने आज से पहले किसी के चेहरे पर इतना तेज कटकाठी में इतना अच्छा कभी नहीं देखा। तुम इस पूरे नागलोक में सबसे अच्छे नाग हो और तुम मुझसे प्रेम करते हो, इस बात की मुझे खुशी है। जिस प्रकार मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ठीक उसी प्रकार तुम भी तो मुझसे प्रेम करती हो ना, और तुम में कोई कमी थोड़ी है जो कोई तुमसे दूर होने की सोचे। हमें बहुत कम समय में प्रेम हो गया ना। हाँ समय कम लगा लेकिन प्रेम पहली बार हुआ है, वो भी तुमसे हुआ है। आज हमारे प्रेम को 3 माह पूरे हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें नागलोक का सबसे अच्छा जहर पिलाती हूँ, वहाँ दूर दूर से नाग नागिन आते हैं। तक्षक और शीशा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ शीशा का पहला प्रेमी नाग आता है और वो शीशा को किसी और नाग के साथ देखकर कहता है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि तुम मुझसे पहले किसी और से प्रेम करती थी और मुझसे अलग होने के 3 महीने ही हुए हैं, इतने में तुम्हारा नया प्रेमी भी आ गया। शीशा ये क्या बोल रहा है, तुम इस नाग को जानती हो क्या, ये तुम्हारा प्रेमी है? तुम इससे क्या पूछ रहे हो, मैं अपने मुख से स्वयं बोल तो रहा हूँ, 3 महीने पहले मैं और शेषा एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु इसने मुझसे ये झूठ कहा था कि मैं इसका पहला प्रेम हूँ, पर इसने झूठ कहा था, मुझे ये बात तो कहीं और से पता चली। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है तक्षक, ये तो एक पागल प्रेमी है जिसके प्रेम को मैंने ठुकरा दिया था, तो अब ये पूरे नागलोक में मेरा उपहास बनाना चाहता है, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो। यदि मैं झूठ कह रहा हूँ तो चलो फिर अपने पिताश्री के पास सच और झूठ का पता करवाओ, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैंने इससे विवाह तक की बात की थी, किंतु फिर भी इसने मुझे झूठ कहा,
और अपने पहले प्रेमी से छुप छुप कर मिलती रही। जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने इससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे लगा तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन तुम तो हर समय अपने प्रेम ही बदल रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शेषा, तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुम सही कह रहे हो शेषा, कभी सच बोलती नहीं और झूठ की नींव पर कभी कोई रिश्ता चलता नहीं। शेषा जब भी तुम ये बात समझ जाओगी ना, तो तुम्हें हमारी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। इतना बोलकर वहाँ से तक्षक नाग और दूसरा नाग चले जाते हैं। शेषा का फिर से ब्रेकअप हो जाता है। शेषा बहुत उदास हो जाती है और अपने कक्ष की ओर जा रही होती है। तभी शेषा की मुलाकात उस नागिन से होती है जो उसे कुछ समय पहले मिली थी। वो नागिन शेषा को देखते ही पहचान लेती है और कहती है, अरे तुम उस दिन इतना रो रही थी, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था ना, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दोबारा ब्रेकअप हो गया। दोबारा ब्रेकअप, ये क्या बोल रही हो तुम? अब तो उस नाग से बात नहीं करने वाली थी ना तुम दोबारा, तो ब्रेकअप कैसे हो सकता है? तुमने उस नाग से वापस से बात करने की कोशिश की थी क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो दूसरा ब्रेकअप था मेरा, अब जो ब्रेकअप हुआ है वो तीसरा ब्रेकअप हुआ है। अरे जब मैं अपने पहले प्रेमी के बारे में बताती हूँ तो भी ब्रेकअप होता है, और नहीं बताती हूँ तो भी ब्रेकअप हो जाता है। तो तुम ऐसा करती ही क्यों हो? एक ही प्रेमी के साथ अपना पूरा जीवन नहीं गुजार सकती हो क्या तुम? देखो, जो मेरा पहला ब्रेकअप हुआ वो ब्रेकअप मैंने खुद ही किया था, लेकिन उसके बाद के दोनों ब्रेकअप मेरे प्रेमी ने किए हैं। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, और तुमने अपना पहला ब्रेकअप क्यों किया? वो तो तुम्हारे साथ रहना चाहता था ना? वो तो मेरे साथ रहना चाहता था, किंतु मेरा ही मन नहीं था। वो क्या है ना, अब भोलेनाथ ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, तो मैं और नागों को क्यों ना अवसर दूं कि वो मुझे दिखा सके। हे भोलेनाथ, शीशा तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे सही स्थान पर तो है ना? अरे भोलेनाथ ने सुंदर इसलिए नहीं बनाया कि तुम प्रेमी बदलो, तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी गलती से ही हो रहा है। उस नागिन की बात सुनकर शीशा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। शीशा का तो मन बड़ा चंचल था जो किसी एक पर नहीं रुक रहा था। शीशा के धीरे धीरे कई सारे ब्रेकअप होते जाते हैं। किसी ब्रेकअप में शीशा उसका मन दुखाती तो कोई उससे खुद ही ब्रेकअप कर लेता। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, शीशा का कोई भी स्थिर रिश्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद शेषा की एक शांतनु नाम के नाग से भेंट होती है। वो नाग शेषा को काफी अच्छा लगता है। दोनों में कई मुलाकातें भी होती है, तो शेषा को धीरे धीरे शांतनु नाग नापसंद आने लगता है। कुछ दिनों बाद शांतनु शेषा से कहता है, शेषा नागिन, हम तुम्हारे बारे में तुम्हारे पूरे अतीत को जानते हैं। तुम काफी ज्यादा नागों के साथ संबंध में रह चुकी हो, किंतु मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बेहद प्रेम करने लगा हूँ। हाँ पता है मुझे ये बात, तो मुझे वापस से क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब अपने पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या विवाह? नहीं, अभी इतनी शीघ्र क्या है विवाह की? अभी तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तभी तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पहले के संबंधों के बारे में जैसे ही मेरे पिताजी को पता चलेगा तो उन्हें क्रोध आएगा, इसलिए उनके क्रोध आने से पहले ही हम विवाह कर लेते हैं। यदि बाद में उन्हें पता चलेगा तो ये इतना बड़ा विषय नहीं रहेगा। तुम्हारा अर्थ क्या है? मेरे बहुत सारे संबंध रह चुके हैं, इसलिए मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ? तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो, मैं तो केवल पिताजी का विचार बता रहा हूँ। सुनो शांतनु, मैं तुमसे प्रेम करती थी, किंतु अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। तुम्हारा व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे साथ विवाह का स्वप्न भूल जाओ, हमारा विवाह नहीं हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? अभी कुछ समय पहले ही तो हम प्रेम के बंधन में आए हैं, और अब इस बंधन को स्वीकार करने से मना कर रही हो? तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ, मुझे अब तुमसे ब्रेकअप करना है। मैं तुम्हारे साथ काफी समय रह चुकी हूँ और अब आगे नहीं रह सकती मैं। तुम क्या सोच रही हो, इसी तरह के सभी नागों से अपना रिश्ता खत्म कर दोगी? धरती लोक का ये ब्रेकअप सब्त कहोगी तो सब ठीक हो जाएगा? ऐसे में तो कोई भी उचित पति तुम्हें नहीं मिलेगा आगे। कोई बात नहीं, मुझे फिर भी तुमसे ब्रेकअप करना है, और मुझे जब तक सही नाग नहीं मिलता मैंने ऐसे 100 ब्रेकअप करने हैं। अब मैं धरती लोक पर जाऊंगी और वहाँ अपने प्रेम की तलाश करूंगी। शीशा का इस बार फिर से ब्रेकअप हो जाता है, और इस बार शीशा दुखी नहीं थी बल्कि खुश थी।
अब शीशा धरती लोक पर अपने प्रेम की तलाश करती है। सारिका अपने जीवन में बहुत प्रसन्न थी। उसका पति दक्ष नागलोक का नागराज था, जिसके कारण वो अपने पति दक्ष के साथ मिलकर नागलोक की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। सारिका एक इच्छाधारी और सर्वशक्तिशाली नागिन थी। एक रोज वो अपने कक्ष में आराम कर रही थी, तभी दक्ष वहाँ आता है और कहता है, सारिका क्या हुआ आपको? आप तो कभी सूर्योदय होने के बाद नहीं सोती, आज आप अपने कक्ष में क्यों लेटी हुई हैं? हम आपको पूरे भवन में ढूंढ रहे थे, तभी एक दासी ने बताया कि आप अपने कक्ष में हैं और हम यहाँ आ गए। कुछ नहीं, बस हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर बहुत भारी हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, जी मचल सा रहा है, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। आप चिंता मत करिए, हम अभी दासी से कहते हैं, वो किसी वैद्य को संदेश भिजवा देंगी, वो आकर आपको देख लेंगे और दवा दे देंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगी। अब हम चलते हैं, कुछ और काम हो आप विश्राम करिए। दक्ष इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और दासी से कहकर नागलोक के वैद्य का संदेश भिजवाता है। और थोड़ी देर बाद वैद्य भवन आता है और नागिन सारिका की जांच करके नागराज दक्ष को कहता है, मुबारक हो नागराज जी, नागरानी सारिका गर्भवती है, अब आपको इनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप पिता बनने वाले हैं, आपको आपकी राजगद्दी का वारिस और हमें नागलोक का नया नागराज या नागरानी मिलने वाली है। आप सच कह रहे हैं वैद्य जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम पिता बनने वाले हैं। सारिका हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं, तुमने हमें इस जीवन में सारी खुशियाँ दे दी हैं, हमारा परिवार संपन्न हो गया जिसका श्रेय सिर्फ तुम्हें जाता है। वैद्य जी आपने अच्छे से जांच की है ना, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, आप एक बार फिर जांच कीजिए। सारिका आप ये क्या कह रही हैं? आपको वैद्य जी पर संदेह है? वैद्य जी नागलोक के जाने माने वैद्य हैं। क्षमा कीजिए वैद्य जी, आप सारिका की बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं नागराज दक्ष, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ, हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा अगर मेरी आवश्यकता पड़े तो जरूर स्मरण कीजिएगा। वैद्य इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दक्ष सारिका की तरफ घूमता है और उसके माथे से निकलते पसीने को देखकर दंग रह जाता है। तभी वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या बात है सारिका, आप अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनकर खुश नहीं है क्या? आपके माथे पर इतना पसीना क्यों है, और ऐसी कौन सी बात है जो आपको डरा रही है? आप हमें बता सकती हैं, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे आपके लिए, लेकिन पहले बात तो पता चले कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने माँ बनने की बात से खुश नहीं हैं, लेकिन ये खुशी हमारी ज्यादा समय तक के लिए नहीं है, हम चिंतित इस बात से हैं, हमसे ये अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है जिसकी भरपाई हमें पूरे जीवन भर करनी होगी, उस एक गलती ने हमारे जीवन की सभी खुशियों को नष्ट कर दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी बात है सीधे सीधे बताइए, आपकी बातें सुनकर हमें चिंता होने लगी है। दक्ष के पूछने पर सारिका कुछ समय पहले अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बताती है। एक दिन सारिका जंगलों में भ्रमण करने के लिए निकली होती है, तभी उसकी नजर जंगल में घूम रहे एक नेवले पर जाती है, जिसे देखते ही वो छुपकर नागिन रूप में काफी दूर रेंगते हुए उसका पीछा करती है। उसके सही स्थान पर पहुंचने के बाद वो अर्धनागिन रूप में आकर अपनी शक्तियों के वार से उसका शिकार करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ नेवला भी अपनी जान बचाने के लिए उस पर अनेकों वार करता है, लेकिन उस समय उसकी शक्तियां नागिन के सामने असमर्थ हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी नागिन भी उसका पीछा करते हुए उस पर अनेकों वार करती है और अनजाने में उसका एक वार उसी जंगल में घूम रहे एक नाग को लगता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, माँ मुझे मार डाला, मुझे बचाओ माँ, आप कहो माँ, इस नागिन ने मुझे मार दिया माँ। अपने बेटे की दर्द भरी आवाज सुनकर वहाँ एक बूढ़ी नागिन आती है, जिसे देखते ही सारिका के होश उड़ जाते हैं। तभी वो बूढ़ी नागिन के पैरों को पकड़कर रोती हुई कहती है, नाग माँ हमें माफ कर दीजिए, हमसे ये पाप अनजाने में हुआ है, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए, आप अपना राज्य छोड़कर इन जंगलों में क्या कर रही हैं? दूर रहो नागिन हमसे, तुमने पाप नहीं बहुत बड़ा पाप किया है, जिस बेटे की रक्षा के लिए हमने अपना राजपाट छोड़ दिया, तुमने उसी बेटे को एक क्षण में हमसे दूर कर दिया,
वो भी हमेशा के लिए। हम अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तुमने ये ठीक नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास है। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हमने जानबूझकर आपके बेटे को नहीं मारा। हम तो एक नीवली का शिकार कर रहे थे, कहीं वो हमारे नागलोक के राज्य में ना आ जाए। उससे हमारे मासूम नाग नागिनों को कोई खतरा हो सकता है। हम सिर्फ उनकी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने हमारे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उसे हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। आज जैसे हमारा बेटा तड़प तड़प कर मरा है, ऐसे ही जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हारा भी बच्चा जन्म लेते ही मर जाएगा, और तुम भी अपनी औलाद के लिए जिंदगी भर तड़पोगी, जैसे मैंने अपने बच्चे को अपने सामने मरते देखा है। तुम भी अपने बच्चे के जन्म के पश्चात उसे मरते देखोगी। ये मेरा श्राप है तुम्हें। नागमा, ऐसा मत कहिए। मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसका इतना बड़ा दंड मत दीजिए। मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए, वरना मैं अभी यही अपनी जान दे दूंगी। सारिका को अपनी भूल पर पछताते और रोते देखकर बूढ़ी नागिन को उस पर तरस आता है, जिसके बाद वो उससे कहती है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अपना वंश जीवित रखना है तो तुम्हें धरती लोक पर ऐसी औरत को ढूंढना होगा जो कभी माँ नहीं बन पाए, और अपनी शक्तियों के जरिए उसकी रजामंदी के साथ अपने अंश को उसकी कोख में सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी कोख श्रापित है इसलिए। लेकिन नागमा, एक नागिन का अंश इंसान की कोख में कैसे पल सकता है? आखिर में एक नागिन का बच्चा नाग या नागिन ही तो होगा ना? हाँ, लेकिन वो जब होता है तुम उसे 9 महीने अपनी कोख में रखती। जब कोई मनुष्य उसे 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म देगी तो वो इंसानी रूप में ही पैदा होगा। बस तुम्हारा अंश होने के कारण उसके पास तुम्हारी शक्तियाँ होंगी, लेकिन होगा वो मनुष्य ही। हमने तुम्हें तुम्हारे अंश को जीवित रखने का रास्ता बता दिया है। तुम तो हमारे बच्चे को मौत के घाट उतार चुकी हो। सारिका की सारी बातें सुनने के बाद दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो सारिका को समझाते हुए कहता है, देखो जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते ना, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे की रक्षा के लिए धरती लोक पर जाकर ऐसी औरत को ढूंढना ही होगा जो अपनी कोख में नागिन का अंश पालने के लिए तैयार हो जाए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों धरती लोक पर जाएंगे तो नागलोक को कौन देखेगा? आप यहाँ नागलोक में रहिए, हम धरती लोक जाकर अपने अंश को सुरक्षित रखने का इंतजाम करते हैं। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सारिका इतना कहकर इंसानी रूप लेकर धरती लोक पर चली जाती है। जहाँ पहुंचकर उसे कोई अपना नजर नहीं आता। सड़क किनारे खड़ी अनजान लोगों को देख वो बेचैन हो रही थी। तभी उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ शिव के मंदिर पर जाती है। वो मंदिर में जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी वो देखती है कि एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी है और एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो भागती हुई उस औरत का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ उसे खींचती है और गुस्से में कहती है, आप होश में तो हो? आपके सामने से आ रहा इतना बड़ा ट्रक आपको दिखाई नहीं दिया? अभी आपको कुछ हो जाता तो आपके परिवार वालों का क्या होता? कौन सा परिवार, कैसा परिवार? मेरे खुद के ससुराल वालों ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है। आज 10 साल से मैं माँ बनने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन हर बार मेरी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन आज की रिपोर्ट के अनुसार अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वो मुझे अपने हाथों से मार डालेंगे। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाऊँ। ये औरत बहुत ही दुखी है, और जैसी औरत हम धरती लोक पर ढूंढने आए हैं है तो ये वैसी ही। क्या हमें इसे अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए? एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? अगर इसने हाँ कर दी तो इसकी और हमारी दोनों की ही परेशानी दूर हो जाएगी। अगर हम कहें कि हम आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, तो? आप जो बोलेंगी मैं सब करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरे परिवार वालों से बचा लीजिए।
औरत की बात सुनकर सारिका उस सुनसान जगह पर उसे लेकर जाती है और अपने अर्धनागिन रूप में आकर उसे अपने श्राप से जुड़ी सारी बात बताती है, जिसे सुनकर एक पल के लिए वो बहुत डर जाती है। लेकिन अपने परिवार वालों के जुल्मों से दुखी होकर वो सारिका का साथ देने के लिए तैयार होती है, जिसके बाद सारिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने अंश को उस औरत के कोख में सुरक्षित कर देती है और इस तरह से सारिका को नागिन का अंश पालने वाली मिल जाती है और उस औरत को माँ बनने का सौभाग्य।